बिसमीम अलैक्म स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर ट्वेंटी करेंगे और वो कंसर्न करता है बुनियादी तौर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ़ फिजिक्स दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियशनिड आर अब्जॉर्ब बाई एन एटम जब भी हम फिज़िक्स की उस ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसमें किसी एटम के अमिजन से या एटम के आब्जॉर्बशन से अगर किसी किस्म का कोई रंग कोई रोशनी कोई वेव निकलती है उस वेव की वैल्यू कितनी है इन मीटर्स उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो उस ब्रांच को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वट एवर द लाइट कमिंग टू द प्रिजम वो प्रिज्म अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उस लाइट को अलग अलग पैटर्न या डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा जिससे हमें एक आउटपुट के ऊपर एक कलर पैटर्न या एक बैंड मिल जाएगा इस पूरे प्रोसीजर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक्स के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी इसकी मदद से बगैर किसी एलिमेंट को केमिकल प्रोसीजर से गुजारे हम जस्ट उसको हीटअप करेंगे वो जो रोशनी अब्जॉर्ब करेगा या हीटअप होने के बाद जो रोशनी अमिट करेगा हम उससे उस एलिमेंट उस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से निकलती हैं वो बुनियादी तौर पर ये तीन फॉर्मेट्स के अंदर होती है वन इज नोन एज दी कंटिन्यू स्पेक्ट्रा कंटीन्यू स्पेक्ट्रम मीन जहाँ पे कलर लाइंस एक दूसरे के साथ जम हो जाएं, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाए और आप वाजिया तौर पे एक कलर की बाउंड्री दूसरे कलर से अलग ना कर सकें नंबर टू इज़ नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास अलग अलग कलर्स अलग अलग फ़ासलों के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं और आप इनको ईज़ीली एक दूसरे से अलग पहचान सकते हैं द थर्ड टाइप इज़ कार्ड बैंड स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक से ज़्यादा कलर लाइंस होती हैं लाइन स्पेक्ट्रम में और बैंड स्पेक्ट्रम में बुनियादी तौर पर डिफरेंस यही है कि लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास इंडिविजुअल लाइन्स आती हैं जबकि बैंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास मल्टीपल लाइन्स आ जाती हैं लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर दो टाइप्स हैं अमीजन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ अमीज़न स्पेक्ट्रा जैसा कि आप डायाग्राम में देख सकते हैं हमारे पास पट्टी के ऊपर रोशन लाइनें हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट मटेरियल से या स्पेसिमेन से या सैम्पल से अमिट हो रही हैं इन केस ऑफ अब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा हमारे पास डार्क लाइंस हैं और ये डार्क लाइन हमारे पास शो करती हैं कि एटम या हमारा स्पेसिमेन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है नाउ इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो काम किया वो हमारे पास 1885 में साइंटिस्ट नेम जे जे बॉम्बर उसने वर्कआउट किया और स्पेक्ट्रल लाइंस ऑप्टेन की बेसिक सेटअप जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास जस्ट एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है जिसका हम जो बीस पेसीमन अंडर एक्सपेरिमेंट uh, है अंडर इन्वेस्टिगेशन है उससे निकलने वाली लाइट एक स्लिट के थ्रू फिल्टर की जाती है और लाइट को फॉल करवाया जाता है प्रिज्म के ऊपर प्रिज्म अपनी नेचर की वजह से अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ लाइट को अलग अलग पैटर्न और डायरेक्शन के अंदर मोड़ देता है जिससे हमें अपने आउटपुट लाइन्स के ऊपर मुख्तफ़ किस्म के ये कलर जो है वो अवेलेबल होते हैं और इन कलर्स की मदद मतलब से हम आसानी से उनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इसका जर्नलाइज फार्मूला 1896 में जे आर रेडबर्ग ने प्रोवाइड किया और यह फार्मूला हमारे पास था वन ओवर इज़ इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट डिनोटेड बाय आर एच वन ओवर पी स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर था हुज़ वैल्यू इज़ 1.0974 पॉइंट जीरो नाइन सेवन फोर क्रॉस टेन पार सेवन पर मीटर चूँकि आप नोट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 1 ओवर लेमडा है और लेमडा मैयर किया जाता है मीटर्स में इसलिए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास पर मीटर के अंदर आती है इन जनरल फिनमिना हमारे पास पी की वैल्यू हमेशा एन से एक दर्जे कम है या दूसरे लफ्ज़ों में एन हमेशा पी से एक स्टेप आगे होगा बुनियादी तौर पर हमारे पास एन जो है वो एनर्जी लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और पी वो एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल करके सेट हो जाता है यू सिंपली से एन इज़ द इनिशियल पोजिशन पी इज़ फाइनल पोजिशन सो इन दिस वे हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद से आप तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस को इजीली स्टडी कर सकते हैं अब अगर हम इसको इन डिटेल देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तुपानों ने काम किया जिसमें सबसे पहले बामर ने फिर पेस्टर ने फिर ब्रैकर ने फिर पीफन में और फिर लाइमन में इन सब के अंदर बुनियादी चीज जैसा कि आप डायाग्राम के अंदर देख सकते हो हमारे पास फाइनल वैल्यूज है लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन चाहे सेकंड लेवल से जंप करे, थर्ड से जंप करे, फोर्थ से जंप करते या फिफ्थ से जंप करे, उसका टारगेट एरिया कौन सा होगा लेवल वन सेम इन दिस वे बॉमर में इलेक्ट्रॉन चाहे लेवल थ्री से जंप करे, फोर से फाइव से सिक्स से सेवन से या एट से द एंड रिजल्ट इज बुनिया बेसिकली सेकंड लेवल सो अगर हम यहां पे इसको स्टडी करें तो हमारे पास इन केस ऑफ लाइमन सीरियस रिलेशन आएगा वन ओवर लेमडा इज इक्वल रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट इन टू वन ओवर वन स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर यानी जब भी हमारे पास एलिमेंट लेवल वन के ऊपर आकर फॉल करेगा तो हम कहेंगे कि बेसिकली एलिमेंट जो है वो लाइमन सीरीज के अंदर है इन द केस ऑफ बामर सीरीज वन ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच वन ओवर टू स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर सिमिलरली इन केस ऑफ पेस्टन सीरियस Wavelength one over lambda is equivalent to Redberg's constant into one over three square minus one over n square. Same in this way, in case of bracket series, one over lambda is equivalent Redberg constant one over four square minus one over n square. And the last one, in case of piffon series. द वे लेंथ वन ओवर लैमडा इज रेड वर्क कॉन्स्टेंट इन टू वन ओवर फाइव स्केयर माइनस वन ओवर एन स्केयर अब इन दिस वे अगर हम इनमें अनर्जी लेवल देखें तो बुनियादी तौर पर लाइमन सीरीज हमेशा हमारे पास जो है वो फार इनफ्रेड या इनफ्रेड रीजन के अंदर आती है सो so, इन में चूंकि मुख्तल लेवल, अनर्जी लेवल्स हैं सो इफ वी कम टू बेसिकली एनर्जी लेवल्स तो हमारे पास लाइमन सीरियस जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल के अंदर जंप करेगा तो अमिटेड एनर्जी अल्ट्रावायोलट रीजन के अंदर होगी इन केस ऑफ बामर सीरियस जब भी इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में फॉल करेगा तो हमारे पास एनर्जी विजिबल कलर के अंदर होगी इन जो रोशनी के साथ रंग है उनमें से कोई ना कोई रंग खारिज करेगा केस ऑफ पेशन सीरियस हमारे पास रोशनी इन्फ्रा में आएगी ब्रैकेट सीरीज में अगेन ये आपके पास लोअर वैल्यू ऑफ इंफ्रारेड में आएगी और पी फंड सीरीज़ के अंदर ये फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर चली जाएगी सो इन दिस वे हमारे पास जो भी कलर मिट होता है या जो भी एनर्जी वेवलेंथ आउटपुट पे आती है उसकी मदद से हम केमिकल और एलिमेंट्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये हमारा बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी तौर पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो मेन आर्टिकल है इस चैप्टर का बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिक पास्टूलेट्स क्या हैं और बोहर एटॉमिक मॉडल के मुख्तिस पास्टूलेट्स को हम किस तरह से मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़